topic of discussion, and that is traction alopecia, which is very much common in females. So mostly females OPD में आती हैं मेरे क्लिनिक में for checkup कि वो यहाँ से baldness हो रही है, बाल उतरने शुरू हो गए हैं, light हो रहे हैं बाल. तो traction alopecia is the term, जो भी we are so unknown to it कि traction alopecia क्या है. हम ऐसे hair styles, hair buns, hair pullovers, ऐसे hair styles बनाते हैं जिसकी वजह से बाल हमारे खिंच जाते हैं. और जब एक डायरेक्शन में आप बहुत कॉन्टिन्यूसली बालों को टाई करते हो तो उधर से बाल उतरना शुरू हो जाते हैं. जो रूट्स हैं, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, वो वीक हो जाते हैं और उसकी वजह से मुझे बाल उतरने की वजह से स्पेस आपका नज़र आ रहा है, सर का स्कैल्प नज़र आ रहा है, दैट इज ट्रैक्शन एलोपेशिया. तो जब रीज़न पता चल गया तो उसका हल करना भी ईजी है. तो मैं फीमेल्स को यही गाइड करती हूँ कि फ्रीक्वेंटली अपना हेयर स्टाइल चेंज करें. पोनी टेल बनाती हैं तो लूज कर लें, कभी बाल इस तरफ निकालिए, कभी इस तरफ निकालिए, ताकि आपका हेयर स्टाइल लूज रहे. जब लूज रहेगा ऑब्वियसली फोर्स नहीं होगी बालों को पुल करने के लिए, तो उधर से कम उतरेंगे बल्कि उतरेंगे. उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका है बिकॉज ऑफ द हेयर स्टाइल, तो फिर हमारे पास मेडिकेटेड चीज़ें हैं, कुछ मेडिसन हैं जिसमें मेलॉक्सिडिल स्प्रेज आती हैं, शैम्पूज आते हैं, एनर्जाइजिंग शैम्पूज हैं जो उसको फिर हेयर को रीग्रो कराते हैं. तो बिफोर इट्स टू लेट कि उधर से बालों के हेयर स्टाइल की वजह से बिल्कुल आपके फॉलिकल्स ख़त्म होना शुरू हो जाए, ट्राई टू चेंज योर हेयर स्टाइल्स, नॉट इवन वीकली लेकिन एटलीस्ट मंथ पर 2 दफ़ा कोई फ्रीक्वेंटली, कभी पोनी टेल, कभी चुटिया, कभी बन, कुछ भी बनाए, बट फ्रीक्वेंटली चेंज योर हेयर स्टाइल्स. I hope it will be helpful for all. Thank you.